नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देख न्यूज में। आज हम दिल्ली मेट्रो में हुए बदलाव के बारे में बातचीत करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी दिल्ली में सोमवार से दिल्ली मेट्रो ट्रेन सेवा के समय में बदलाव किया गया है। इन बदलावों के बाद से दिल्ली मेट्रो पे सफर करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी करते हुए यह जानकारी साझा की है। 31 अक्टूबर 2022 में बदलाव होने जा रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये बदलाव। DMRC की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 31 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से मेट्रो ट्रेनें मिलना शुरू हो जाएंगी। यह फैसला रन फॉर यूनिटी के चलते लिया गया है। अब मेट्रो में सफर करने वाले यात्री सुबह 4 बजे भी मेट्रो की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे कई यात्रियों को फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी तक ऐसा संभव नहीं था, जिसके चलते यात्रियों को सफर करने के लिए अन्य विकल्पों का चयन करना पड़ता था, जो कि काफी महंगा और देरी वाला होता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रन फॉर यूनिटी में शामिल होने वाले लोग सुबह 4 बजे से सभी लाइनों के किसी भी टर्मिनल स्टेशन से मेट्रो ले सकेंगे। ये ट्रेन सुबह 6 बजे तक 30 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर चलेंगी, यानी हर 30 मिनट बाद आपको एक मेट्रो मिलने वाली है। लेकिन 6 बजे के बाद से दिल्ली मेट्रो सामान्य तरीके से ही चलेगी। दिल्ली मेट्रो की सेवा 4 बजे शुरू होने के बाद नाइट शिफ्ट करने वाले कर्मचारियों को काफी फायदा भी होने वाला है। गुड़गांव नोएडा में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं और उनकी छुट्टी 4 बजे होती है। ऐसे में ये मेट्रो का इस्तेमाल कर सकेंगे और जो अब तक कैब का इस्तेमाल किया करते थे। दिल्ली मेट्रो के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल देख न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।